कॉम्बिन फॉर्मूला, जैसे आपने तीन लोगों को हायर किया है लेकिन आपको जस्ट दो को ही सिलेक्ट करना है तो आपके पास ऑप्शन क्या है, तो इसलिए हमारे पास एक आता है कॉम्बिन। कॉम्बिन में हमने नंबर को सिलेक्ट किया और चूजन को सिलेक्ट किया तो मेरे पास तीन ऑप्शन है। कैसे है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे मिस्टर ए को किया है, बी को किया है और सी को किया है, तो आपके पास फर्स्ट च्वाइस है कि आप ए और बी को हायर करें, सेकेंड च्वाइस है कि बी और सी को हायर करें, और थर्ड च्वाइस है कि आप यहां ए और सी को हायर करें। ठीक है, एक कॉमन फॉर्मूला, इसलिए जो कम्यूटेशन वगैरह होता है मैथमेटिक में वही चीज यहां होता है, इसी में एक कॉमन ए होता है, कॉमन ए आपका कॉमन ऑल पे वर्क करता है, दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन है, डबल हो जाता है क्योंकि दो दो बार चॉइस ले लिया इसने। तो ये आपका कॉमन फॉर्मूला जो मैथमेटिक्स से रिलेट करता है, एक्सेल में आप कर सकते हैं।